हेलो स्टूडेंट्स चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 15 और 16 इस वीडियो में करेंगे हम बेसक से एमसीक्यू क्वेश्चन दे रखे हैं बट आपको अच्छे से करने हैं ये क्योंकि एग्जाम में दो मार्क्स में या टू मार्क्स में या थ्री मार्क्स में ऐसे क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे आपको क्योंकि बच्चे क्या करते हैं इन एमसीक्यू क्वेश्चन को स्किप मार देते हैं सोचते हैं आंसर याद कर लिया इसका ए बी सी डी ये ऑप्शन आएगा और याद हो गया बट कई बार क्या करता है वो स्टेटमेंट दे देता है ऑप्शन ना देता है और इसको बोल देता है कि सोल आउट करो तो भाई गड़बड़ हो गई मामला सर ये तो हमने ऑप्शन से याद किया था बट कैसे सोल आउट करें बेसिक कंसेप्ट तो आते नहीं है बेसिक कंसेप्ट सीखने तो नेक्स्ट क्लासेज आपके साथ में है देखो भाई क्वेश्चन के अंदर क्या है एक रिलेशन दे रखा है किसका सेट वन टू थ्री फोर का और उसके रिलेशन के पेयर हमें बना के दे दिए भाई उसने चूज द करेक्ट आंसर हमें करेक्ट आंसर देखना है पहले में क्या कहा है आर इज रिफ्लेक्सिव चेक कर लो रिफ्लेक्सिव है वन वन टू टू प्रेजेंट है ठीक है भाई रिफ्लेक्सिव है एंड सिमेट्रिक है सिमेट्रिक के लिए हमारा क्या होना चाहिए वन टू टू वन प्रेजेंट होना चाहिए मतलब कोई भी इस तरीके से ए कोमा बी अगर प्रेजेंट है तो बी कोमा ए भी प्रेजेंट होना चाहिए तो देख लो यहां पे कोई उल्टा सुल्टा प्रेजेंट है नहीं कोई भी प्रेजेंट नहीं है तो ये सिमेट्रिक नहीं है तो ये हमारा ऑप्शन हो गया रोंग बी वाले ऑप्शन पे चलते हैं आर इज रिफ्लेक्सिव बिल्कुल है तो यहां पे बी वाला ऑप्शन मेरा मुझे पता है मैंने कर रखे हैं बहुत बार ठीक है तो यहां पे क्या हो जाएगा आर जो है हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन है क्योंकि यहां पे टू टू वन वन प्रेजेंट है तो यहां पे लिख भी देंगे दिस टू 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 इज टू रिफ्लेक्सिव ठीक है भाई आगे देखते हैं हमें अब ट्रांजिटिव देखना है ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए बच्चों ध्यान से देखो कोई पेयर यहां पे बन रहा है हमारा पेयर कौन सा बन रहा है वन टू है टू टू है वन वन है और यहां पे वन थ्री है थ्री थ्री है और थ्री टू है तो यहां पे अगर मैं ये लेता हूं वन थ्री और थ्री टू क्यों होना चाहिए ऐसे पेयर आपको कैसे ढूंढने हैं जिसका लास्ट एलिमेंट और दूसरे का फर्स्ट एलिमेंट सेम होने चाहिए क्या होता है हमारा ट्रांजिटिव में एकमा बी और बी कोमा सी ये ये सेम होने चाहिए और ये वाला और ये वाला डिफरेंट होने चाहिए बन मिल गया हमें तो वन कोमा टू भी क्या होना चाहिए हमारा ये बिलोंग्स टू आर था तो वन कोमा टू भी क्या है हमारा बिलोंग्स टू आर है ये रहा तो ये क्या हो जाएगा हमारा ट्रांजिटिव यही तो होता है हमारा ए कोमा बी बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर है तो ए कोमा सी भी क्या होना चाहिए बिलोंग्स टू आर तभी हम उसको ट्रांजिटिव बोलते हैं ठीक है दूसरा क्या कहा उसने सिमेट्रिक नहीं है ये सिमेट्रिक है भी नहीं भाई कोई भी हमारा यहां पे ए बी को बी ए प्रेजेंट है ही नहीं तो यहां पे क्या लिखेंगे ए बी बिलोंग्स टू आर तो है बट बी ए इसके अपोजिट नॉट बिलोंग्स टू आर है सो दिस इज नॉट सिमेट्रिक भाई इन क्वेश्चंस को ना वही करेगा जिसको कंसेप्ट आते होंगे सिमेट्रिक का एग्जैक्ट मीनिंग पता होगा ट्रांजिटिव का पता होगा रिफ्लेक्सिव का पता होगा वही क्वेश्चन कर सकता है तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट तो ये हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन और आगे चेक करने की भी जरूरत नहीं है आपको ठीक है अगर आपको कंसेप्ट आते हैं तो कॉन्फिडेंस में आप बी को ही डायरेक्टली आंसर लगा दोगे नहीं तो आपको सी और डी भी चेक करना पड़ेगा या फिर ताक में बैठे रहना पड़ेगा ओ भाई ऐसे नहीं, नहीं करना अपने आंसर बता दे यार ऐसा करो अपने को मजबूत करो अपने को ठीक है क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन और देख लेते हैं सिक्सटीन में क्या दे रखा है लेट आर रिलेशन इन द सेट एन गिवन बाय रिलेशन इज इक्वल टू ए और बी का रिलेशन दे रखा है ए इक्वल टू बी माइनस टू और बी की वैल्यू ग्रेटर देन होनी चाहिए तो हमें पेयर बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट है पेयर इस फॉर्म में होगा ए और बी पहली बात क्या करेंगे बी की वैल्यू छ से बड़ी होनी चाहिए सिक्स से बड़ी तो पहला ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया बी की वैल्यू फोर दे रखी है ये तो सेटिस्फाई करेगा ही नहीं इसको बाकी सब में बी की वैल्यू क्या ग्रेटर देन सिक्स है तो तीनों में से ऑप्शन होगा देखते हैं भाई आगे अब यहां पे देखो ए की वैल्यू थ्री बी वाले ऑप्शन को चेक कर रहे हैं हम अभी ए की वैल्यू थ्री है बी की वैल्यू एट है क्या ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है थ्री पुट करो थ्री इज इक्वल टू एट माइनस टू तो क्या थ्री इज इक्वल टू सिक्स होता है नॉट इक्वल है तो ये भी आंसर गलत हो गया हमारा अगले पे चलते हैं सिक्स और एट का पेयर लेते हैं सी वाले ऑप्शन का ए की वैल्यू सिक्स बी की वैल्यू एट हमें रिलेशन ये सेटिस्फाई करना है ए इक्वल टू बी माइनस टू होना चाहिए ए की वैल्यू सिक्स एज इक्वल टू बी की वैल्यू एट माइनस टू तो सिक्स इक्वल टू सिक्स आ गया ये हमारा क्या हो गया करेक्ट ऑप्शन बस डी को भी चेक करके दिखा देता हूं वैसे हम यहां पे ही छोड़ देंगे बाकी टाइम वेस्ट नहीं करना है डी ऑप्शन में क्या दे रखा है बच्चों हमें एट कोमा सेवन इसको हम रिलेट करेंगे कोमा बी से तो ए की वैल्यू क्या होगी एट बी की वैल्यू क्या होगी गई सेवन तो हमें रिलेशन चेक करना है ए इक्वल टू बी माइनस टू होना चाहिए ए की वैल्यू एट इज इक्वल टू सेवन माइनस टू तो क्या एट इक्वल टू फाइव है नॉट no इक्वल है तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा गलत तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन आ गया समझ में क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन सिक्सटीन कंसेप्ट स्ट्रॉग करो बस और कुछ नहीं करना नेक्स्ट क्लासेज के साथ पढ़ते रहो रेगुलरली मैं आपका सपोर्ट करता रहूंगा रेगुलरली थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग नेक्स्ट क्लासेज वीडियो